हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है NS200। इसका आज हम क्या करेंगे कि इसका रेडिएटर जो है ना वो लीकेज कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर ये कूलेंट पूरा लीक हो रहा है इसके अंदर से। गाड़ी में ओवर हीटिंग हो रहा है। तो आज हम क्या करेंगे कि इसका जो रेडिएटर है ना इसे पूरा बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के फिर हम देखेंगे कि एक तो या तो इसको रिप्लेस करेंगे, या तो स्क्रैप से कोई सेकेंड हैंड गाड़ी का उठाएंगे, या तो इसे रिपेयर करेंगे। पहले ट्राई करेंगे कि ये रिपेयर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसे बोल्ट होंगे, एक यहाँ पर है, एक ये साइड में है और एक नीचे होगा। पहले हम ये कवर को, रेडिएटर का जो गार्ड है ना, इसे पहले निकालेंगे। ये कवर को हम निकालेंगे, फिर उसके अंदर रेडिएटर के बोल्ट होंगे। इधर भी एक बोल्ट है इधर, और एक ऊपर एक, और उस साइड में भी है। तो दोस्तों, इतना करते ही आपका रेडिएटर बाहर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो कूलेंट है ना उसे पूरा बाहर निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर ये 8 mm का बोल्ट आता है, इसे हम निकाल ओपन करेंगे। इसे ओपन करते ही कूलेंट बाहर निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कूलेंट नीचे भी गिर गया। मैंने एक कंटेनर में स्टोर करके रखा है क्योंकि इसमें फ्रेश तो आ रहा था कूलेंट। तो आपको कूलेंट पहले, सबसे पहले पूरा ड्रेन आउट करना है। कूलेंट निकालने के बाद हम अपना ये रेडिएटर को ओपन करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये कवर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम साइड के दो कवर्स जो है ना उसे बाहर निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो एक और चीज़ दोस्तों, ये रेडिएटर जो है ना ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत हल्का होता है, एल्यूमिनियम का होता है ना। इसके जो फिन्स है ना वो बैंड नहीं होने चाहिए। काटते समय एक चीज़ का ध्यान दें, क्या करते हैं हम कि मतलब उसे घट पकड़ने जाते हैं। जब हम हार्ड पकड़ने जाते हैं तो उसके जो फिन्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। अगर वो फिन्स डैमेज होंगे ना तो आपकी गाड़ी ठीक से कूलिंग नहीं होगी। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसे संभाल के काटना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडिएटर बाहर आ चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, इसका जो फ़ैन वगैरह ये जो है ना, ये फ़ैन ये सब हम निकालेंगे क्योंकि अभी हम इसको रिपेयर को देंगे ना। तो ये फ़ैन काट के रखेंगे, उसके जो बोल्ट्स होंगे ना उसे सेपरेट एक बॉक्स में रखेंगे ताकि इधर उधर ना गिर जाए। तो दोस्तों, हमने ये फ़ैन को भी बाहर निकाला है। फ़ैन को निकालना बहुत ईजी है, बस 3 बोल्ट है उसे 10 mm के, उसे ओपन करते ही फ़ैन बाहर आ जाएगा। तो अब ये रेडिएटर हमारा ऐसे दिखता है। तो इसके एक लॉक होंगे, ध्यान दीजिए आपको सब बोल्ट्स और लॉक संभाल के रखने हैं क्योंकि आपको फिर से लगाना है। इधर उधर रखेंगे तो गिर जाएगा यहाँ वहाँ। कुछ ऐसी है हमारे रेडिएटर की कंडीशन। ये देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर जुगाड़ हो चुका है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की बाइक है तो उसे पता नहीं था ये, उसने एम सील लगा के कुछ जुगाड़ किया था। दोस्तों, मैं अपने हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि ये जो जुगाड़ का काम है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, तो इसके साथ भी वही हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये एक शॉप पर लेकर जाके दूंगा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेडिएटर स्पेशलिस्ट है, वो लोग रेडिएटर रिपेयर करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ जहाँ डैमेज होता है ना उसे वेल्डिंग मारते हैं। तो वेल्डिंग मारते हैं या तो उनके पास अलग एक लिक्विड होता है, तो अब वो बताएगा कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि ये रिपेयर हुआ या मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ या रिपेयर कर रहा हूँ।